24 घंटे पहले सीएम मोहन यादव ने ऐसा क्या किया कि 1 लाख लाडली बहनें नाराज हो गईं। कांग्रेस कहने लगी ये धोखा है। क्या लाडली बहनों के भैया शिवराज सिंह चौहान करेंगे मोहन यादव से मुलाकात? योजना बंद होने की फिर उठी चर्चा। मामा ने किया था 3,000 का वादा, पर मोहन यादव ने खाते में डाले सिर्फ 1,250 रुपए। जानिए कहां फंस गया पेंट। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐसा क्या कर दिया कि 1 लाख लाडली बहनें नाराज हो गईं, और हो सकता है उनमें से कुछ शिकायत लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास भी पहुंच जाएं, क्योंकि 24 घंटे पहले मोहन यादव ने जो फैसला लिया है उससे मध्य प्रदेश की सियासत में सनसनी मच गई है। कांग्रेस तो इसे साफ साफ धोखा बता रही है। ये कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान है, जो कहते हैं, कर्ज का बोझ नहीं ढो पा रही विज्ञापन से बनी भाजपा सरकार ने प्रदेश की लाखों लाडली बहनों से झूठ बोलकर वोट ले लिया। अब उन्हीं में से 2 लाख बहनों की छटनी कर दी। जब सितंबर में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे तब लाडली बहनों की संख्या 1,31,00,000 थी, पर अब नए सीएम मोहन यादव ने इस संख्या को छांट कर 1,29,00,000 कर दिया, यानी 2 लाख तो नई सरकार बनते ही घटा दी। जनता खुद देखे लोकसभा चुनाव के बाद ये संख्या कितनी बचेगी, ये तो नए सीएम मोहन यादव ही तय करेंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आंकड़ों में हेरफेर कर रही है, बल्कि यही आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी जारी हुए हैं। तो सवाल है कि ऐसा मोहन यादव ने क्यों किया? क्या वो शिवराज सिंह को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम फ्री वाली योजना ज्यादा दिन नहीं चला पाएंगे क्योंकि कर्ज का बोझ ज्यादा है? एक आंकड़े के मुताबिक मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति पर 42,000 रुपए का कर्जा है, जो चुनावी दौर में और बढ़ सकता है, क्योंकि चुनावी वादे खजाने पर हमेशा बोझ बढ़ाते हैं। आज जो 1,250 रुपए मध्य प्रदेश सरकार 21 से 60 साल के महिलाओं को दे रही है, वो कभी 1,000 रुपए हुआ करती थी, लेकिन चुनावी दौर में तब सीएम शिवराज ने इसे बढ़ाया और ये वादा किया था कि धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 3,000 पर ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले बवाल इस बात पर खड़ा हो गया कि इस योजना की लाभार्थी कैसे कम हो गई, तो इसका जवाब भी जान लीजिए, फिर आप सोचिए कि कांग्रेस कैसे झूठ की सियासत कर रही है। कई मीडिया रिपोर्ट ये बताते हैं कि नाम कम होने की 3 बड़ी वजह है। पहली वजह, योजना शुरू होने के बाद कई महिलाओं की मौत हुई तो उनके नाम हटाए गए। दूसरी वजह, 1 जनवरी 2024 को जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई, क्योंकि ये योजना 21 से 60 साल तक के लिए है। तीसरी वजह, आधार और अकाउंट का लिंक ना होना या फिर योजना का लाभ लेने से मना कर देना। ठीक यही हाल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ भी हो रहा है। कई लोग खुद से इसका लाभ लेना छोड़ रहे हैं, जबकि कईयों ने सरकार की सख्ती की वजह से नाम हटवाया तो संख्या कम हो गई। तब भी विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया था। पर सवाल उठता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान उन बहनों को न्याय दिलवाएंगे जिनका नाम आधार और अकाउंट लिंक ना होने की वजह से हटाया गया है, या फिर किसी पात्र महिला का नाम अगर सूची में नहीं है तो क्या उसे इसका लाभ दिलवाएंगे? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री ना बनने के बाद भी भावुक होते हुए कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। अगर शिवराज सिंह चौहान हाल फिलहाल में मोहन यादव से मुलाकात करते हैं तो समझिए कि लाडली बहनों का मुद्दा जरूर उठाने वाले हैं। ये बात सीएम मोहन यादव भी जानते हैं कि अगर लाडली बहन योजना के साथ कुछ फिर बदल किया तो ये 2024 के चुनाव में महंगा पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस अभी से इस मुद्दे को लपकने के लिए बैठी है। ये कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान है, जो खुलकर कहते हैं कि बीजेपी ने 3,000 का वादा करके सिर्फ 1,250 रुपए दिए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने धीरे धीरे पैसे बढ़ाने की बात की थी। मतलब पहले 1,250, फिर 1,500, फिर 1,750 रुपए और ऐसे करके 3,000 रुपए तक पहुंचाना है। ऐसे में सारी बातें जानने के बाद अब आप बताइए कि क्या मोहन यादव सरकार ने लाडली बहनों के साथ धोखा किया है, या फिर कांग्रेस जानबूझकर इसको अलग तरीके से प्रचारित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।